नोएडा के सेक्टर थाना 58 की पुलिस टीम ने फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया है। अमेरिका के लोगों के साथ ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 3 महिलाओं सहित 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मौके से 3 फरार अभियुक्तों की जोन फर्स्ट के पुलिस अधिकारियों ने जल्द ही गिरफ्तारी की बात कही है। इनके कब्जे से 27 लैपटॉप, 16 मोबाइल फोन और 20 हेडफोन बरामद हुए हैं। जोन फर्स्ट के DCP रामबदन सिंह ने बताया गया कि पकड़े गए आरोपी अमेरिका के लोगों को बैंक खाते सीज करने के नाम पर ठगी का शिकार बनाते थे। स्त्री के थर्ड फ्लोर में एक बिल्डिंग थी सेक्टर 59 में, जिसमें हमें कल सूचना मिली थी कि इसमें एक कॉल सेंटर फर्जी चलाया जा रहा है। इस पर हमारी टीम जब वहां गई, इनका पूरा वेरिफिकेशन किया, तो उससे पता चला कि वास्तव में ये एक फेक कॉल सेंटर है, जो अमेरिकन नागरिक को एक पॉप कॉल भेज करके उनको ये बताते थे कि उनका खाता सीज हो गया है, और फिर खाता खोलने के नाम पर उनसे वैलेट में या बिटकॉइन में पैसा ले करके तब ये खोलते थे। तो इस तरह से फ्रॉड करते थे। सर कब से चल रहा था कॉल सेंटर में ये? अभी लगभग 1 महीने से ही चल रहा था, और इसमें 3 महिलाओं सहित 15 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इनसे 27 लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, राउटर आदि जितना इक्विपमेंट होता है। सर, 1 महीना से पहले कहाँ चला रहे थे, अब तक कितनी ट्रांजैक्शन अकाउंट में देखी गई है? अभी तो ट्रांजैक्शन का हमें पता नहीं चल पाया है, क्योंकि इसमें डिजिटल करेंसी में हो रहा है, इसके बारे में भी हम इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। पर अभी जो इन्होंने बताया कि इससे पहले हम मुंबई में कर रहे थे काम। कितने लोग गिरफ्तार हुए पूछताछ में? इसमें 15 लोग गिरफ्तार हुए। इससे पहले कितने समय से लगातार इस तरह से कॉल सेंटर काम कर रहे हैं आपकी पूछताछ? अभी तो कई सेंटर इसमें काम कर रहे हैं जो ये बता रहे हैं, और हम इनका